सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल। हेलो दोस्तों, मैं सुजय कुमार और मैं अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि डेथ का दो पार्ट बनाया जाएगा, एक जो कि मैंने बना दिया है पार्ट 7 में और यह है पार्ट 9, तो उसमें आप लोग को दो पार्ट में पूरा डेथ कवर हो जाएगा। तो फिर आज ही है रिलेटेड, डेथ से रिलेटेड। तो उस दिन सब साइड वाला था और आज है अलग अलग। तो अलग कुछ हैं वर्ड, तो उसको मैंने अलग रखा है, उसको एक एक करके हम लोग डिस्कस कर देते हैं। सीमेट्री मतलब होता है कब्रिस्तान, इसका हिंदी क्या होता है, कब्रिस्तान। तो कब्रिस्तान है तो इसका अगर पूरा अगर हम एनालिसिस करें तो वो पता चलेगा कि ग्रेव यार्ड वेयर द डेड आर ब्यूरी। जब इसको अगर ट्रिक से याद रखना चाहते हैं तो आप लोग बस एक बात ध्यान में रखें कि सीमेंट्री है तो सीमेंट का बोरा बहुत जगह फेंका हुआ रहता है, तो उससे आपको क्या समझना आता है कि वहाँ पर बहुत सारे शमशान टाइप के लगते हैं, शमशान घाट की तरह लगते हैं, कि मतलब कि सब वहाँ पर फेंका हुआ है। तो बस समझ लीजिए कि ग्रेव यार्ड वेयर द मतलब कि जहाँ पर मुर्दे को रखा जाता है या गाड़ा जाता है, जो भी समझिए, उसको हम सीमेट्री कहते हैं। उसका कहते हैं कॉटिज, कॉटिज को समझिए कॉटेज से, क्या चीज़ समझिए, कॉटेज से। तो कॉटेज अब कहाँ लगेगा भाई, तो कॉटेज होगा फिंडल, फिंडल अंतिम, फिंडल का हिंदी होता है अंतिम संस्कार, जिसके कोस्ट में दिया हुआ है उसका हिंदी दिया हुआ है। प्रोसेशन कंप्राइजिंग ए नंबर ऑफ मॉर्नर्स, मॉर्नर्स मतलब मातम होता है। तो समझ लीजिए कि अंतिम संस्कार करने का जहाँ पर मातम लगता है यानी कि जुलूस लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉटेज कहते हैं हम, ठीक है। कॉटेज का मतलब समझिए कॉटेज है, तो कॉटेज एक घर टाइप का रहता है, तो उसमें अंतिम संस्कार के लिए जलाया जाता है, तो वहाँ पर बहुत सारे वहाँ पर लोग मातम बनाते हैं उसके लिए, देखने के लिए, मतलब कुछ भी आप हम लोग को वर्ड याद करना है भाई तो कुछ भी ट्रिक बना लेंगे हम लोग। उसके बाद आते हैं ऑप्टियरी का मतलब, ऑप्टियरी मतलब होता है शोक संदेश, ठीक है। शोक संदेश मतलब शोक वाला संदेश कोई लेकर के समाचार लेकर पहुँचाया। देन अकाउंट इन द न्यूज़पेपर अबाउट द फ्यूनरल ऑफ द डिसीज, डिसीज मतलब मृतक, यानी कि अगर न्यूज़पेपर में दिया गया किसी के बारे में कि ये व्यक्ति मर गया तो उसका शोक संदेश ही ना वो दिया, तो ऑप्टियरी, ऑप्टियरी दिया, ठीक है। उसका कहते हैं इलेगी, इलेगी मतलब होता है शोक गीत, मतलब कि वो अलग है, मतलब कि इसको ट्रिक से याद रखिए तो बस समझ जाए कि इलेगी है तो वो अलग है, गीत से अलग है, गीत एक ऐसा चलता है, एक गीत अलग चलता है, तो गीत से अलग है, तो समझ जाए कि पोएम ऑफ लेमेंटेशन, लेमेंटेशन मतलब विलाप ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड एडमायर्ड, तो अलग चलता है गीत, मतलब कोई मर जाता है तो रोता है तो उसका अलग गीत चलता है, अलग गीत चलता है। तो पोएम ऑफ लेमेंटेशन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड एडमायर्ड, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। दोस्तों हम लोग इतना इंग्लिश नहीं रटना है, हम लोग को बस वहाँ पर एग्जाम में आएगा तो अगर एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया तो बस समझ आए कि इलेगी है तो अलग है भाई, सब गीत से अलग है, तो इस शोक गीत के बारे में डिस्कस करेगा तो हम लोग इलेगी ऑप्शन में ढूंढेंगे मारेंगे। उसके बाद एपिटाफ, एपिटाफ मतलब क्या होता है, समाधि लेख, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव टॉम्ब इन द मेमोरीज ऑफ द वन वर्ड, तो ग्रेव टॉम्ब लेके मेमोरी अगर कर दिया जाता है तो वहाँ पर आप लोग को एपिटाफ का यूज होता है। उसका कहते हैं मॉर्टररी, शवगृह, शवगृह मतलब कि जहाँ पर डेड बॉडीज को रखा जाता है पोस्टमार्टम के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, मॉर्टर यानी मूड़ी रखा जाता है। मॉर्टररी को ट्रिक से याद रखिए, मूड़ी को जहाँ रखा जाता है शवगृह, ठीक है, शव, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम। अब मॉर्ग्यू मतलब क्या होता है, अ प्लेस वेयर बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, प्लेस वहाँ पर बॉडी को रखा जाता है जहाँ पर उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए, वह स्थान जहाँ पर बॉडीज को रखा जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, यानी मुर्दा घर, सब पे हिंदी लिखा हुआ है, मॉर्ग्यू मतलब मुर्दा घर, इसको भी मूड़ी से समझिए, तो मॉर्ग्यू और मॉर्टररी मूड़ी से समझिए कि मूड़ी जहाँ रखा हुआ रहेगा उसको पोस्टमार्टम के लिए, मतलब इस डेड बॉडी से रिलेटेड बात करेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, हमारे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन, वहाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग को ज्वाइन होना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर के ग्रुप में ज्वाइन होना है तो वहाँ पर भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, कुछ दिक्कत है, कुछ इंप्रूव करना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आप वीडियो कैसा लगा तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि हम लोग और वीडियो बना सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए ट्रिक के साथ, नए मज़ेदार वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। Subscribe now!